हाय दोस्तों, बैक टू बैक माय चैनल धारावाहिक से टू, जो कोई आपको लेके जा रहा है अखंड शर्मा देव, जो कि वो इन पहाड़ पर स्थित है। मैं आपको वहां पे लेके जा रहा हूं। अब देखिए, मैं दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो कि अखंड शर्मा देव के बाहर जो कि बारिश लगी हुई है, वो तो मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। देखिए, मैं इस यहाँ पे जो छोटी सी शॉप है यहाँ पे खड़ा हूँ। तो देखो, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश जो है कम हो रही है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये मंदिर का गेट है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ मंदिर के अंदर, तो आपको सारी कहानी जो है मंदिर के अंदर बताऊँगा। बारिश लगी है जो कि है दोस्तों, मैं अब मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। तो देखो, अभी जो कि ये मंदिर, तो मैं पहुंच चुका हूँ अखंड शर्मा देव की पौड़ियों के पास, जो कि मैं अब पौड़ियों में चढ़ रहा हूँ, जो कि आपको अब बताऊँगा। आके जो अपने सूज जो है, सूज वगैरह जो हम यहाँ पे उतारते हैं, जो कि दोस्तों देखिए, यहाँ पे लोगों ने जो कि अपने सूज जो है उतारे हुए, जो यहाँ पे मैं भी अपने सूज उतारूँगा। बिलपत्र जो बाबा के मंदिर में चढ़ती है ऊपर, जो दे रहे हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वाला हूँ देखिए, ये मंदिर की, ये देखिए भोले शंकर की, जो कि यहाँ पे बनी हुई है, जो कि पेंटिंग को इतनी अच्छी पेंटिंग लग रही है। तो देखिए दोस्तों, ये है अखंड शर्मा महादेव, जो देखिए प्राचीन काल का, देखिए जो कि मंदिर जो कैसे ऊपर जो उसकी बनावट देखिए, जो कि कितनी अच्छी बनावट लग रही है। तो दोस्तों देखिए, मंदिर तो दोस्तों बंद है। मैं आपको जो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे तो इतना लगता है कि मैं आपको जो पंडित से बात नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि पंडित तो है नहीं यहाँ पे, जो कि मंदिर में जो बाली साइड में जो हमें बिलपत्री जो कहते हैं भोले शंकर की, वो हमें दी गई है, जो बिलपत्री जो यहाँ पे महादेव के चरणों में हम स्थापित कर रहे हैं। तो इस बात के लिए की दोस्तों, तो ये मंदिर है बिलपत्री, तो हर हर भोलेनाथ। जो हमारे पंडित जी है, जो हमसे बात तालाब करेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं, सेम ही है, तो सेम बात ही है वो, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। लो पंडित जी हमें, टीका लगा रहे हैं पंडित जी। गुप्तेश्वर महादेव, कौन सा महादेव है? गुप्तेश्वर। तो वहाँ पे वो जो पेंटिंग बनी भोलेनाथ की, तो वहाँ पे जो नीचे जो मतलब सुरंग टाइप है, वो वहाँ पे क्या है? शिवलिंग है, शिवलिंग उसके नीचे शिवलिंग है, वो मतलब काफी सालों से है। पंडित जी, ये जो अंदर धुना जो भी है, इसके बारे में कुछ? बाबा गंगा भारती चालू गिरा से सस्ती काम कर, अखंड धुना चलता है। अखंड धुना मतलब भोलेनाथ के नाम से चलता है, महादेव के। चलो ठीक है दोस्तों, ये जो धुना है वो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, तो आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। तो वो प्राचीन काल से ये भी चल रहा है, तो महादेव के नाम से। लो दोस्तों, ये देखिए आपको, ये जो कहें शेरावाली माता जी का जो स्थान ग्रहण है, ये हमारे बजरंगबली जी। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमारे महादेव, जो देवों के देव महादेव जी हैं। तो दोस्तों जो श्रद्धालु यहाँ पे कितनी श्रद्धा से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो देखिए मंदिर की लोकेशन जो है तो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों किस से जो व्यू है, तो कितने अच्छा से देखिए दोस्तों, जो भी है ये। तो देखिए दोस्तों, जो कि इस मंदिर की बनावट बहुत अच्छे तरीके से जो है की गई है। देखो जो अखंड महादेव का जो यहाँ पे धुना जी है, वो धुना देखिए, तो कितने अच्छे तरीके से जो इसका जो निर्माण किया हुआ है,
तो इसकी जो बनावट है देखो किससे कितनी अच्छे से की गई है, जो जिसकी जो कि स्लेट होते हैं, स्लेटों के दोबारा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे जो पत्थर भी है, दूसरा घिसरीला पत्थर जो होता है हमें बोलते हैं उसको, वहाँ पे वो बना हुआ है। ओम श्री सिद्ध पीठ अगंजर महादेव जूना अखंडा। तो देखिए मंदिर की ये, तो देखिए ये जो मंदिर, जय महादेव, हर हर भोलेनाथ भोल देवों के देव महादेव। तो देखिए ये लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है मंदिर की जो की है, तो आपको मैं ये दिखा रहे आ रहा हूँ दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये बना हुआ है। हर हर महादेव। जो कि दोस्तों देखिए हम इस रास्ते से मैं अब आपको नीचे लेके जा रहा हूँ, जो कि वो रास्ता जो हमें नीचे जो कि शिवलिंग है वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा, तो इस रास्ते से नीचे जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो हम मैं आपको वहाँ बंडेर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे जो भोलेनाथ का शिवलिंग है नीचे, और वहाँ पे भोलेनाथ की पेंटिंग बनी हुई आपको बहुत दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि देखिए आप वो मंदिर है राधा कृष्ण जी का, यहाँ पे स्थित है वो भी। देखिए कितने अच्छे रूप से बना हुआ है, क्योंकि कितनी लाइटिंग वगैरह अच्छी से, कितना फोकस अच्छा सा लग रहा है, तो राधा कृष्ण की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है मेरे को। देखिए आप इस तरह से देखिए आप, तो देखिए दोस्तों की दालू वगैरह है। चलो आपको उस रास्ते से मैं लेके जा रहा हूँ नीचे बंडेर में, देव रास्ता है जो नीचे नीचे की ओर जा रहा है, जो कि वहाँ पर शिवलिंग है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जो कि हम नीचे जाएंगे तो अब सोच समझ के नीचे जाएंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा वो। तो चलो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, जो कि बंडेर का पानी जो है तो वो आपको पता ही है आजकल बरसात लगी हुई है, तो बरसात में बहने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों हमें तो सोच समझ के नीचे जाना, लेकिन आपको मैं दिखाऊँगा जो कि क्या कला है वहाँ पर। दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो ये चीज़ें बनी होती है आप में कुछ ही लोगों को पता होगा, ये जो ये बनाए होते हैं घर, ये घर इसलिए बनाया होता है कि जो कि जो 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 प्राणी जो पृथ्वी लोग पृथ्वी छोड़ के वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, तो उनके लिए घर बनाए जाते हैं, जो कि वो हम यहाँ पे जो घर बनाते हैं तो वो उन्हें स्थान होता, तो यहाँ पे रहते हैं ये हमारे। तो पूर्ज उन्होंने बताया हुआ है कि ये इसका प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, ये इसलिए बनाए होते हैं क्योंकि ये रास्ता भी क्लास की ओर ही जाता है, यहाँ से होके जाते हैं, जो कि लोग अपना शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो इसी रास्ते से जाते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे काफ़ी घर बनाए हुए हैं लोगों ने। ये कितना पानी, अब कितना पानी, मतलब गंदा सा पानी आया, मतलब पहला चीक चीक चीप वगैरह, मतलब चिक्कड़ सा चला हुआ है इस पानी में। देखिए दोस्तों, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, मैं आपको पहले वहाँ से दिखाया था, अब आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ मंदिर में देखिए, यहाँ के लोकेशन देखिए, यहाँ पे देखिए जो हमारे भाई बहन है जो यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे शिवलिंग है। देखिए दोस्तों पानी का कितना बहाव, कितनी बहाव से पानी चला हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको ये दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे भोलेनाथ की शिवलिंग स्थित है भी लोगों। दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे ये जो शिवलिंग है, तो यहाँ पे शिवलिंग स्थित है भोलेनाथ जी का नीचे, तो यहाँ पे भोलेनाथ जी की पेंटिंग बनाई गई है। तो नीचे देखो भक्तगण कैसे अपने पांव मतलब नीचे जाते हैं, तो जो कि कितनी श्रद्धा से यहाँ पे निर्माण हुआ है इस मंदिर का। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो किस तरीके से यहाँ पे देखो कैसे बनाया हुआ है ये इस मंदिर की, तो ये स्थापना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस मंदिर में ऐसे मैं तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे नीचे घिसर घिसर के नीचे जा रहा हूँ, तो मेरे को लेटना पड़ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ मंदिर का ये मैं दिखा रहा हूँ, तो ये भोलेनाथ का शिवलिंग है वो स्थित है यहाँ पे। तो देखिए ये स्टोन के ऊपर जो है वो एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर के नीचे जो ये मंदिर है, तो इस पत्थर के नीचे जी भोलेनाथ जी का शिवलिंग है। तो दोस्तों ये कुदरत की खेल है, तो पता नहीं कब काफ़ी प्राचीन बना हुआ है ये दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे तो मेरे को लग रही है शेरा वाली माता की मूर्ति, लेकिन मेरे को यहाँ पे पहचान नहीं हो रही है इस मूर्ति की। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये भोलेनाथ जी का शिवलिंग आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ मैं। जय भोलेनाथ, देवो के देव महादेव। देखिए दोस्तों, भाई हमारे जो किन के पैसे दे रहे हैं, नहीं है नहीं भाई।